Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. किचन में सब काम हाथों का ही होता है, जाहिर है. सबसे ज़्यादा जर्म्स जो होते हैं एक सेकंड में हाथों में हो जाते हैं, तो ज़रूरी है हाथ धोएं. जितनी दफ़ा धोना धो सकें धोएं. क्लास में भी बच्चों को मैं कहती हूँ, अपनी कुकिंग क्लास में, वो कहते हैं मिस अभी तो मैं धो कर आया हूँ ऊपर से. मैंने कहा नहीं बेटा, ऊपर से नीचे आने में जर्म्स पता नहीं कितने हाथों में लग गए, तो अभी धोकर फ़ौरन आप उसके बाद आप खाना पकाना शुरू करें या खाना खाना शुरू करें. सबसे पहली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पॉट पाई की, और उसका जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो मैं बना रही हूँ बटर बिस्किट का. और यूजली होता है कि वो पाई डो का जो होता है वो क्रस्ट होता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने ये बहुत दफ़ा बनाई है और बहुत हर किसी को बहुत अच्छी लगती है कि इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल डो क्रस्ट ऑन टॉप, मैं ये बटर बिस्किट डो बनाती हूँ. बस बटर बिस्किट डो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले करते ये हैं कि चिकन पॉट पाई का जो बैटर है वो प्रोसेस मैं आपके साथ करती हूँ. और मैं क्या करती हूँ, इसका जो वाइट सॉस है मैं सब कुछ एक साथ बनाती हूँ. एज़ आई ऑलवेज से, मेक योर लाइफ ईजियर. और 100 चीज़ों की बजाय आप कोशिश करें जहाँ पर जो है उसी तरह उतने ही मज़ेदार शॉर्टकट्स हो सकते हैं, तो वाई नॉट. तो सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पर इसमें अबाउट
घी जो है आप किसी पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, और इसमें जो है आपको चिकन स्टॉक अगर चाहिए तो चिकन स्टॉक आपको अलग ज़रूरत नहीं है, इसी पॉइंट पे आप अबाउट हाफ अ कप पानी डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से स्टर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से बनेगा आपका चिकन स्टॉक। की मैंने और थोड़ा डाल दिया है क्योंकि एकदम से मैं नहीं चाह रही कि वो थिक हो जाए, और मैं किंग में बॉयल हो जाएंगे। मैं एंड में डालती हूँ क्योंकि हरी प्याज भी बहुत जल्दी जो है वो गल जाती है। इसमें ओरिगेनो, थोड़ा सा ओरिगेनो मैं सेव करती हूँ यहाँ पर, और इसको मैं साइड में करती हूँ। और वाइट पेपर, ये भी अबाउट हाफ टी स्पून अंदाजे से आप डाल लीजिए, और ये सब कुछ साइड में कर दूँगी। और नमक जो है वो भी अबाउट हाफ टी स्पून या हसबे जायका आप डाल लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा और कुक होने देती हूँ जब तक चिकन और वेजिटेबल्स कुक हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आलू और हरी प्याज जो है बिल्कुल एंड में मैं डालूँगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक ये कुक हो रहा है मैं आपको बटर कुकी डो बताऊँगी, उसकी रेसिपी, लेकिन ब्रेक के बाद बताऊँगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, और उम्मीद